ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बताइए राजा साहब, ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ आना पड़ा? हुजूर, एक मुश्किल मसला आन पड़ा है। कैसा मसला? जहां तक हमें याद है, इस रिश्ते को लेकर हम सारी बातें पहले ही साफ कर चुके हैं। आश्चर्य है शहंशाह, आपकी बेगम बिना आपकी जानकारी में आए दूसरे राज्यों में पत्र भेज रही हैं और वचन दे रही हैं कि वो ये संबंध नहीं होने देंगी। हमें और हमारी पुत्री को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि आपके और हमारे बीच संबंध तय हुआ था। तो फिर बिना आपकी जानकारी में आए जोधा बेगम ने हमारी पुत्री को ये पत्र कैसे भेज दिया कि वो ये संबंध नहीं होने देंगी? मोती, क्या सच में विवाद अब काजी साहब तक पहुंचने वाला है? हाँ, केवल हमने नहीं, सबने सुना है। तख्त के गुरूर में ये मत भूलिएगा शहंशाह कि मजहबी मामलात में आपके ऊपर भी कोई है। अब मैं काजी साहब के पास जाऊंगा। शरीयत के हिसाब से आप गुनहगार हैं, आपको सजा दिलवाऊंगा मैं। बस बहुत हो गया, अब हमें शहंशाह से बात करनी होगी, चाहे वो सभा में हो, मंत्रणा कर रहे हो या दीवाने खास में, उन्हें हमारी बात सुननी ही होगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जोधा बेगम खुद यहाँ आ गए। हमें आपसे बहुत आवश्यक बात। पहले आप हमें ये बताएं कि बिना हमारी इजाजत के आपने वो खत भेजने की मांग की कैसे और कितना रुस्वा करेंगी आप हमें सबके सामने जोधा बेगम? शहंशाह, हमें आपसे पूछना है क्या आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है? हम यहाँ सवाल करने आए हैं जोधा बेगम, जवाब देने नहीं आए। अब बताएं हमें कि जो रिश्ता हमने जोड़ा है उसे तोड़ने की हिमाकत आपने की कैसे? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ शहंशाह। आप हमें बताइए कि आपकी किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है? हम शहंशाह हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम किसी के साथ भी निकाह कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बेगम बनाकर ला सकते हैं, और क्यों ना करें ऐसा? जिस दिन से आप हमारी बेगम खास बनी हैं, उस दिन से आपने हमारे लिए किया ही क्या है सिवाय हमारी नाफरमानी करने के, सिवाय सबके सामने में रुस्वा करने के, सिवाय हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाने के। आपने एक बेगम होने के नाते अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी की है वो खत भेज कर। भले ही आपने हमसे मोहब्बत की हो जोधा बेगम, लेकिन आपने हमेशा हमारी मोहब्बत का बेजा फायदा उठाया है। भले ही आपने हमारे सीने में दिल दिया है जोधा बेगम, लेकिन आपने उसे अपने गुरूर के सामने कुचल दिया है। तो इस बात को कबूल करते हुए हमें कोई शर्म नहीं है कि हाँ, कि आज अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं जोधा बेगम। बस शांत हो जाइए शहंशाह, और कुछ मत बोलिए। आप इतने ऊंचे स्वर में बात मत कीजिए जिससे हमारे कोख में पल रहे बच्चों को पता चल जाए कि उनके पिता अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए जोधा बेगम, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि उन्हें एक ऐसी औरत मिली है जिसे अपने शौहर की शान से ज्यादा एक जानवर की जान की ज्यादा फिक्र है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारा उद्देश्य आपके आदेश की अवहेलना करना नहीं था। हम बस रमजान के पाक महीने में आपके हाथों पाप होने से बचाना चाहते थे। हर एक पत्नी होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि अपने पति के हाथों कोई पाप ना होने दे। तो क्या आपका धर्म ये भी कहता है जोधा बेगम कि आप अपने शौहर की नापरमानी करें?
कि आप अपने शहंशाह की पूरी आवाम के सामने रुसवाई करें। जब बेगम अपने हमेशा हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी का बेजा फायदा उठाया है, अपने हमारी दी हुई जुबान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। हाँ जोधा बेगम, हाँ हमें अतीफा से मोहब्बत है। मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई गलती की है जोधा बेगम, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती तो कुछ और है। आप जानती हैं हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने आपसे मोहब्बत की। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हमने आप पे भरोसा किया जोधा बेगम। हाँ, हमने भले ही हमारे सीने में दिल दिया हो और हमने खुशी खुशी से आपको सौंप दिया हो, लेकिन अब हमें लगता है कि आप उसके लायक नहीं है। सुना है शहंशाह इस बार बड़ी ईदी देने वाले हैं? हाँ, रकम इतनी बड़ी है ईद के पहले कभी नहीं मिली। इस बार तो लगता है मैं अपना मकान पक्का करवा ही लूंगा। अब इसे क्या हुआ, जब देखो तब चीखता गुर्राता रहता है। चलो देखते हैं, चलो। देखो किस तरह से अपना सिर पटक रहा है दीवारों पर, ऐसा लगता है खुद ही अपनी जान दे देगा। अच्छा ही है, हमें तो निजात मिलेगी इससे। इस तरह के दरिंदे को आप जिंदा रखकर फायदा ही क्या है? Yeah! Yeah! चलो। काजी साहब, ये शेख अमनुल्लाह खान है, आपसे मुलाकात के लिए सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आदाब। आदाब, तशरीफ लाइए। और बताओ क्या मसला है? काजी साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। एक शख्स है जो मेरी बीवी को मुझसे दूर करना चाहता है, वो जबरन उसे अपना बनाने का इरादा बनाए हुए है। हुजूर, वो बेहद ताकतवर है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इंसाफ की उम्मीद लिए मैं आपकी पनाह में आया हूँ। बेशक, किसी की बीवी को जबरन उससे दूर करना गुनाह है। कौन है ये शख्स? काजी साहब, वो बेहद ताकतवर है। इंसाफ से ज्यादा ताकतवर कोई गुनहगार नहीं होता, शरीयत से बढ़कर कोई मुसलमान नहीं है। तुम उसका नाम बोलो, इंशाअल्लाह हम तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। कौन है वो शख्स जो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हम तुम्हारी मुश्किल समझते हैं, मगर वो कोई आम शख्सियत नहीं है। बिना सबूत और गवाह के हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हुजूर, सबूत मैं कहां से लेके आऊंगा? मुझ जैसे अदने आदमी के लिए शहंशाह के खिलाफ गवाही कौन देगा? हम कुछ नहीं जानते, मगर मुकदमा हुआ तो सबूत और गवाह पेश करने ही होंगे अमानुल्लाह खान। ठीक है। आदाब। आदाब।
मैं सबूत लाऊंगा। भले ही वो शहंशाह हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं करने दूंगा मैं। ये जलाल से इतना खफा क्यों है? आखिर मसला क्या है? सबूत तो लेके आऊंगा मैं। क्या चल रहा था? जोधा बेगम, शबे कद्र नेकी, रहम और मुआफी की रात है। पूरी रात अल्लाह की बंदगी की जाती है, नेकी और जकात की जाती है। आज की रात हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह सच्चे दिल से मुआफी मांगने वालों की मुआफी भी कबूल करते हैं, जो मजलूम है, मुसीबत के मारे हैं। सच्चे दिल से दुआ करने पर अल्लाह उनकी मुश्किलात कम कर देते हैं। आदाब शहंशाह। आदाब सलीमा बेगम। आइए ना, तशरीफ लाइए। सलीमा बेगम, एक जरूरत मसलहत के लिए जा रहे थे आपसे, पर नजर पड़ी तो रुक गए। इजाजत चाहेंगे? जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चांद बेगम। चांद बेगम, आज शब्बे कदर की रात है, नेकी और रहम करने की रात, बड़ी रात। हमने सोचा क्यों ना आप पर भी थोड़ा रहम किया जाए, क्यों ना आपको अपनी बेटी से मिलवा दें। मिलना चाहेंगे आप? कहाँ है हमारी बच्ची? हम आप पर रहम कर रहे हैं, तो थोड़ी नेकी आपको भी करनी चाहिए। तो नेकी कीजिए और बताइए उस खजाने का पता। चांद बेगम, सीधी सी बात है, अगर आपने हमें उस खजाने का पता नहीं बताया तो आपको जिंदा रखने में हमारा कोई फायदा नहीं। ईद के लिए बस चंद दिन बाकी है, ईद तक आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, अपनी जान गंवाएंगी या खजाने का पता हमें बताएंगी। क्या सोचा है, खजाने का पता या फिर मौत से बात कर रहे हैं चांद बेगम? ठीक है चांद बेगम, जैसी आपकी मर्जी। याद रखिएगा, रमजान खत्म होने से पहले आपने अगर हमें खजाने का पता नहीं बताया तो हम खुद आपका कत्ल कर देंगे। खजाना? हमने अपनी आंखों से देखा है खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार। क्या सुन रहे हैं चांद बेगम? आपको खजाने का पता याद आ गया? बताइए ना। बड़ी सी झील है। झील है? उसमें जहाँ उगते सोने के कमल है, सोने के, जहाँ तैरते हैं चांदी के हंस। आदाब में बिखरे मोती है। बस बहुत हो गया चांद बेगम, बहुत हो गया। हम बच्चे नहीं है, किस्सा गोई करना बंद कर दीजिए। और याद रखिएगा चांद बेगम, अगर ईद तक आपने हमें खजाने का पता नहीं बताया चांद बेगम, तो आप खत्म, आप खत्म,
और अपनी बेटी से मिलने का आपका सपना भी खत्म, याद रखिए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आपका हुक्म था कि याद दिला दिया जाए, आप नमाज के बाद जकात तकसीम करना चाहते हैं। हमने अर्जुदा बेगम ने तय किया था कि नमाज के बाद हम जरूरतमंदों में जकात बांटेंगे। जोधा बेगम को सब कुछ मालूम है, शायद उन्होंने सारी तैयारियां कर ली होंगी। तो हुजूर, क्या हम जोधा बेगम को पैगाम पहुंचाएं? नहीं, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। सारे प्रबंध हो गए हैं, दान में देने वाली मुद्राएं भी अदगा साहब के पास रख दी गई हैं और नगर में इसकी मुनादी भी करा दी गई है। और इसके अतिरिक्त महल के सेवकों को ईदी में देने वाली भेंट भी तैयार है। जोधा बेगम, ऐसा लगता है वो दरिंदा पागल हो गया है। अच्छा? हाँ, जोर जोर से अपना सर अंधे कुएं की दीवारों पर पटक रहा है। बाप रे, चीख रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर पटक पटक कर खुद ही अपनी जान दे देगा वो। सुनने में तो ये भी आया है कि वो दरिंदा जोधा बेगम का नाम भी पुकारना सीख गया है और चीख चीख कर उन्हीं का नाम पुकार रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है। आदाब हुजूर। आदाब। आदाब हुजूर। तुम लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि खैबर की फरारी के मामले में हमने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। एक बाहरी आदमी सिपाही का भेष बदलकर यहाँ पर आ जाता है और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ती। माफी चाहते हैं हुजूर, मैं तो आपके पास आने ही वाला था हुजूर, मगर खामोश। अब बहाने मत बनाओ हमसे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितने होशियार हो। अब जाओ, जाकर कैद खानों का चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ। वहां कहां जा रहे हो बेवकूफ? वो कैद खाना खाली है, बाकी कैद खानों में देखो। जी हुजूर। मानसिंह, हम चाहते हैं कि कैदखाने के कुछ हिस्से फिर से बनवाए जाएं, ताकि खैबर वाला किस्सा दोहराया ना जाए। जी। मानसिंह, हमें आमेर के कैदखाने की मजबूती और हिफाजत के इंतजामात बड़े माकूल लगे। अब राजवंशी अपने किले को बड़ी मजबूती से बनाते हैं जो हमें हैरत में डाल देती हैं। हम चाहेंगे कि हमारे कैद खाने की मरम्मत के इंतजामात आपकी निगरानी में हो। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। वो देखिए, हमें नहीं लगता कि वो दीवार इतनी मजबूत है। हम चाहते हैं कि हमारे कैद खाने की हर एक दीवार एक किले की तरह मजबूत हो। ये तो आतिफाकारी है। हरदास शहंशाह उसके पास होंगे इतने शुभ अवसर पर भी। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो, मल्लिका आजम ने पैगाम भिजवाया है कि आप तैयार रहें, शाम को आपको उनके साथ होना है।
कौन है? कौन है यहाँ पे? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई है। मोती, ध्यान रहे, खैबर की ये बात जोधा बेगम तक किसी हाल में ना पहुंचे। मोती। प्रणाम। मोती, तुम्हें खड़ी होकर बातें कर रही हो, हम कब से तुम्हें पुकार लगा रहे हैं? और ऐसी कौन सी बात है जो हमें पता नहीं चलनी चाहिए? बताइए हमें। बेगम साहिबा, बात ये है कि वो दरिंदा खैबर खुद अपना सर कुएं में पटक रहा है। प्रणाम, प्रणाम।